युवाओं में फैलाई जा रही जो धर्म की जहरीली हवा, जो गलत तरीके से वो फैलाकर जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या कुछ अलग आपने सोच रखा है सर? कुछ अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मर्ज की दवा उस मर्ज में ही छुपी होती है। मान लीजिए कि कोई नफ़रत फैला रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उस नफ़रत को जो लोग पसंद नहीं करते हैं उनको मोहब्बत पसंद है। तो मोहब्बत और नफ़रत में जो है, जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो नफ़रत की तरफ जाएंगे, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो मोहब्बत की तरफ जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है सोसाइटी के लिए जो है कोई रॉकेट साइंस का प्लान नहीं तैयार कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो चीज़ जिस गति से पनपती है, बढ़ती है, अपने उफान पे जाती है, उसका डाउनफॉल भी वहीं से शुरू हो जाता है। भाजपा आज अपने चरम पर है, भाजपा की राजनीति आज अपने चरम पर है, इसका वहाँ से डाउनफॉल होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कोई चीज़ जब ऊंचाई से डाउनफॉल होता है तो वो नुकसान बहुत करता है, और उसी नुकसान को कम करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आ गए हैं और ये हमेशा रहेंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कुछ नहीं भी करेंगे तब भी जो है ये अपनी जगह से हट जाएंगे। अब एक बात मुझे बताइए, आडवाणी जी को साइडलाइन विपक्ष किया या उनकी खुद की पार्टी कर दी? बस यही बात है। तो इनको हराने के लिए प्लान नहीं बनाना है, समाज को बचाने के लिए प्लान बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल वही तो। हाँ तो युवा जो इस नफरत की आग में काफी ज्यादा वो ऐसे रिएक्शंस दे रहे थे जब हमने पब्लिक ओपिनियंस लिया। मैं समझता हूँ कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। धर्म संस्कृत के धरि धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। नमक का धर्म यह है कि वो नमकीन होगा, चीनी का धर्म यह है कि वो मीठा होगा। उसी तरीके से विद्यार्थी का धर्म है कि वो पढ़ेंगे, और शिक्षक का धर्म है कि वो पढ़ाएंगे। सेना का धर्म है कि वो सीमा की रक्षा करेंगे। किसान का धर्म है कि वो अनाज उपजाएंगे। उसी तरीके से जनता का धर्म है कि वो नेता से सवाल पूछेंगे, और नेता का धर्म है कि वो जनता के सवालों का हल करेंगे। ये धर्म है। इस धर्म के अलावे जो धर्म की परिभाषा आज रची जा रही है वो धर्म नहीं है, वो एक्चुअली अधर्म है। वो एक एक तरीके से नकारात्मक विचार है जो समाज को खंडित करने के लिए बनाई गई है, ताकि समाज आपस में टूटे और सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग आसानी से जो है अपना राजकाज चलाते रहें। ये अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। उसी से मिलता जुलता एक पॉलिसी, ये अंग्रेज के बहुत करीब रहे हैं भाजपा वाले, तो उन्होंने भी एक नीति बनाई है, डाइवर्ट एंड रूल, कि सोसाइटी को मेंटली जो है पीसफुल नहीं रहने देना है, हमेशा जो है उसको जो है अनस्टेबल करते रहने का प्रयास करना है, हमेशा जो है एक मुद्दे के ऊपर एक नया मुद्दा फेंक देना है। पुराना मुद्दा अपने लॉजिकल कन्विलेशन पे पहुँचे भी नहीं, उससे पहले एक नया मुद्दा उछाल देना है, और उन मुद्दों के बीच प्रोपेगेंडा खड़ा करके एक तरफ देश के संसाधनों का लूट जारी रहे और लोग जो है धर्म बचाने के बहस में उलझे रहें। ये साजिश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साजिश पकड़ी नहीं जाएगी। चोरी कैसी भी हो, अंततः वो पकड़ी ही जाती है। विचारधारा के ऊपर आप कितना भी जो है लब्बो लुबाब लगा दीजिए, अगर उसके बीज में नफरत है तो वो सामने आएगी, और कोई भी इंसान 24/7 नफरत में नहीं रह सकता है। और वो जिससे प्यार करता है, उस प्यार के बरक्स जब वो अपने नफरत को देखता है, तो फिर वो नफरत को छोड़ करके प्यार में ही रहना चाहता है। मान लीजिए आज किसी को बहुत अच्छा लग रहा है कि दंगा होना चाहिए, मार देना चाहिए किसी पर्टिकुलर समुदाय को, लेकिन जिस दिन वो अपने बच्चे की आँख में देखेगा और तब उसको लगेगा कि इसको भी तो कोई मार सकता है, फिर वो कहेगा कि नहीं, हमको दंगा नहीं करना है। ये जो विचार है, मैंने आपको कहा, इस विचार को लोगों तक ले जाना हमारी भूमिका है, कि नफरत जो फैला रहा है वो नफरत फैलाए, हम मोहब्बत की बात करेंगे। जिसको युद्ध की बात करनी वो युद्ध की बात करे, हम अमन की बात करेंगे। जिसको अशांति की बात करनी है अशांति की बात करे, हम शांति की बात करेंगे। तो इसके लिए अलग से कोई प्लान नहीं है। आप अपने स्वभाव की तरह काम कीजिए, सामने वाला अपने स्वभाव की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें एक बात तय है, इतिहास के सही ओर वो होते हैं जो सत्ता को चुनौती देते हैं, जो नकारात्मक चीज़ों से लड़ते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतिहास के सही तरफ खड़ा हूँ। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, और आपके फेवरेट 3 बुक्स जो आप चाहें यूथ पढ़े जो राजनीति में आना चाहता है वो? एक मनुष्य के जीवन में कई सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं,
ठीक है, कई सारी बुक्स भी होती है, कई सारी घटनाएं होती हैं, वो किस सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुआ है उसका एक असर होता है। ये कोई कैप्सूल नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है कि कवर ड्राइव कैसे मारेंगे और जो है लेग कटर कैसे करेंगे, ये कोई फार्मूला नहीं है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। सोसाइटी में आप किस तरह की परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, समाज में आपका नर्चरिंग कैसा हुआ है, आपकी फैमिली किस तरीके की रही है और उसके प्रति आपका इंट्रैक्शन किस तरीके से रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। मोटा मोटी अगर आप कहिएगा तो मैं ये कह दूँ कि मैं शरीर से बड़ा ही कमज़ोर आदमी था और स्वाभाविक रूप से जिसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती थी उससे मैं दूर भागता था। तो उससे दूर भागेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, स्वाभाविक तौर से किताब की तरफ जाएंगे। तो जो है बचपन से ही लिटरेचर पढ़ने लगे और लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो आपके भीतर एक एक संवेदना के मूल्यों का जो है वो संचार होता है। फिर जो है स्कूल के दौरान थिएटर से जुड़े जो है और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी था उससे जुड़े, फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में जो है AISF से जुड़े। अब AISF एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे इस देश के तमाम क्रांतिकारी जुड़े रहे। आप 50-60 के दौर में किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, आप फणीश्वरनाथ रेणु का नाम लीजिए, आप कर्पूरी ठाकुर का नाम लीजिए, आप साहिर लुधियानवी का नाम लीजिए, आप जो है हर फील्ड से, चाहे वो साइंटिस्ट हों, आर्टिस्ट हों, किसी भी फील्ड से आप नाम लीजिए, वो सब AISF के मेंबर रहे। नतीजा ये हुआ कि उस महान विरासत से जुड़ने का जो गौरव प्राप्त होता है तो वो गौरव और वो जो इंस्पिरेशन जो है वही आज मुझे यहाँ खड़ा किया है कि सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। तो उसका कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है, हाँ कई सारी चीज़ें हैं जो आपको के सोचने के तरीके को बहुत प्रभावित करता है। उसमें जो भगत सिंह से जुड़े हुए लिटरेचर हैं, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो लिटरेचर हैं, उसमें फूले का जो लिखा हुआ एक किताब है गुलामगिरी, इन सारे लिटरेचर का आपके बेसिक थिंकिंग पे जो है गहरा असर पड़ता है कि आप समाज को फिर कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, कॉमन सेंस से अलग जो है आप दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो ऑब्वियसली, चूंकि मैं एक लेफ्टिस्ट आदमी हूँ तो मार्क्स की जो किताबें थी उससे ये शुरू हुई। फिर जो इंडियन पर्सनालिटीज़ रहे हैं उनके लिटरेचर को पढ़ा तो इंडियन पर्सपेक्टिव जो है उसको लेकर के क्लियर हुआ। तो हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि संसद की गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाए। हम विपक्ष होंगे एक दूसरे के, कोई सत्ता में होगा कोई विपक्ष में होगा, ये रहेगी संसदीय प्रणाली और उसकी गरिमा स्थापित रहे, सवाल पूछे जाएं। और सवाल जो है वो सरकार को परेशान करने के लिए नहीं, सरकार को सुझाव के तौर पे, जो लोगों के सवाल हैं उन सवालों पे को जो है देश की लोकतंत्र की देश की सर्वोच्च संस्था में रखा जाए। तो जो संसदीय प्रणाली है, जो संवैधानिक मूल्य है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको बचाना हमारी जिम्मेवारी होगी। और पहला कुछ करने का अगर मेरे पास अवसर प्राप्त होता है तो पहले तो मैं ये कोशिश करूं कि जो सांसद निधि का पैसा है वो वापस ना जाए। आप उसके आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। नेता ऐप पे चेक किया था हमने, चेक कीजिए, 150 सांसदों की संपत्ति जो है वो दोगुनी हो गई 5 साल में, और उनका पैसा जो है वो MP फंड का जो पैसा है वो रिटर्न होकर के चला गया। अगर उस पैसे का इस्तेमाल सड़क बनाने में, अस्पताल बनाने में, बिजली के खंभे लगाने में, पुस्तकालय खोलने में, इसमें किया जाता तो वो पैसा वापस नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही डेंजर में है, और उसको डेंजर में वो लोग बना रहे हैं जो पॉलिटिक्स का मजा उठा रहे हैं, लगातार मजा उठा रहे हैं। वो ये बात समझ गए हैं कि 5 साल कुछ भी करो, जब चुनाव आएगा जात धर्म का कार्ड खेलेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, और यही हो रहा है। कीजिए कि बेगूसराय जिला का सबसे प्रतिष्ठित जो कॉलेज है उसमें टीचर ही नहीं है, उसमें जो है हजारों स्टूडेंट हैं, 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और जो है 9 टीचर हैं, 10 टीचर हैं, टीचर ही नहीं है। बताइए 10 टीचर 20,000 स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे? मैं आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, ये कैसे संभव है? अगर ये बताया जाता तो ये मुझे याद होता कि कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, इन रेशियो का क्या हुआ। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ कि बिहार का एकमात्र इंडस्ट्रियल सेंटर है ये, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 1996 में सदुद्दीन प्रसाद सिंह CPI के MP थे तो लास्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बेगूसराय जिला में खुला था, मक्का अनुसंधान केंद्र कुछ माहौत में, उसके बाद कोई नई चीज़ें लागू ही नहीं हुई है, शुरू ही नहीं हुई है। तो ये सवाल होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि लोकतंत्र की इस गाड़ी को पटरी पर कैसे लाया जाए।
चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।